हैदर को धोखा दिया, हैदर के बाद हैदर वहां कमाने के लिए गया हुआ था, जिन जिन लोगों के साथ इसकी रिलेशनशिप थी उनको धोखा दिया, वो आपने देखा होगा पिक्चरें वायरल्स हो गई है। अब हेमंत परासर ने, जब कोई भी नहीं खड़ा था उस टाइम, भारत का कोई भी आदमी इसके साथ नहीं था, किसी को पता नहीं था, ये जेल जा रही थी, जेल में 3-4 दिन, ये 3 दिन के करीब रही, तो उस टाइम हेमंत ने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके इसकी बेल कराई, सारे काम करे, उस इंसान ने इसको जेल से निकाला, तो उस इंसान को नहीं बख्शा इसने, तो ये किसी की क्या होगी। और आने वाले टाइम में ये देखना कि अगर किसी वजह से ये भारत में, क्योंकि इसको जेल हो जाएगी और जेल भुगतने के बाद अगर ये भारत में रहती है, अब यहाँ की सरकार इसको यहाँ रहने की इजाजत देती है और डिपोर्ट नहीं करती है, तो उस समय आप देखना ये जो सचिन है ये इसको भी जो ना लात मार के कहीं और जाएगी। इसका मकसद ही यूज एंड थ्रो है और ये लोगों को यूज करती है और इसके बारे में सबको जो गालियां ये दे रही है, तो गालियों से ये पता लग जाएगा कि गालियां देने से इसका क्या करेक्टर है। ये कोई सनातनी बहन कभी भी ऐसे सार्वजनिक स्थल पर या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कभी भी किसी को गाली नहीं देगी। तो ये ना मुसलमान है, ना ये सनातनी है, ना ये हिंदुस्तान की रही, ना ये पाकिस्तान की रही, ये कहीं की नहीं है, ना ये नेपाल की रही, ये अपनी ही एक गलत मिजाज और गलत जहन की औरत है। और गालियां देना और साले कहना और दूसरी बुरी गालियां देना, एक एक औरत होते हुए एक मर्द को गालियां देना और ऐसे इंसान को गालियां देना जिसने इसकी बेल कराई है, जिसने इसके ऊपर एहसान किए हुए, तो यहां से पता चलता है ये किस लेवल की है। तो अब तो सही मायने में इसका जवाब देना भी अपने आप को नीचे गिराना है, क्योंकि इसका लेवल बड़ा नीचे गिर चुका है। और मैंने पहले भी बोला था कि आने वाले समय में ये सीमा इतना नीचे गिर जाएगी, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाएगी, वो मैंने काफी टाइम पहले बोल दिया था लाइव में कि आने वाले टाइम में ये बहुत बुरी तरीके से लोगों पे इल्जाम लगाएगी। तो ये हो रहा है, इसको पता है, चारों तरफ से घिर चुकी है और इसके सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको बंद करने के लिए मैंने जो है इसको यूट्यूब को, गूगल्स को, सबको लिखा था और मैंने केस भी पानीपत में डाल दिया है इसको, यूट्यूब सारे चैनल्स को बंद करने के लिए। उसमें 30 तारीख लगी हुई है, तारीख भी लग चुकी है, वो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बता रहा हूँ, आज मैंने दूसरे चैनलों पर भी बताया है, तो उसमें 30 तारीख लगी हुई है, जल्दी इसके सारे चैनल्स भी बंद होंगे। और जैसे इसके सारे चैनल्स बंद होंगे इसकी कमर टूट जाएगी, ये कहीं की नहीं रहेगी, कोसा बाना चाना सब बंद हो जाएगा। ये जो उछल रही है सिर्फ चैनल्स की कमाई के ऊपर उछल रही है, इसलिए इसको बात आ रही है और कोई वजह नहीं। हाँ, 27 तारीख को जरा हम ये मैटर को, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो एपी सिंह ने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया था, हमने बल्लभगढ़ उसकी कार्रवाई की थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चे वहीं रिकवरी हुए थे। और फॉरेन एक्ट में ऐसा है कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में पहली बार जहां भी आइडेंटिफाई होगा वहां पर फॉरेन सेक्शंस लगेगी और वहीं उसके ज्यूरिडिक्शन है, वहीं वो कार्रवाई चल सकती है। तो हमने बल्लभगढ़ में की थी, तो हमने कोर्ट में भी केस वहां डाला, तो कोर्ट ने SHO बल्लभगढ़ को बुला लिया है, DCP को नोटिस जारी कर दिया है और उनको ACP को सबको उनसे पूछा है कि आपने इसमें क्या कार्रवाई करी, वो भी 27 तारीख लगी हुई है। और जो हमने 156(3) में डाला हुआ था वो भी जेवर में 27 तारीख लगी हुई है। और जो ये फैमिली कोर्ट में जो इनको नोटिस हुआ था वो भी 27 तारीख लगी हुई है। तो 3-4 केसेस 27 तारीख में लगे हुए, तो ये 27 तारीख निकलने दो, फिर हम बताएंगे क्या है क्या नहीं। अगर ये पेश नहीं होती है तो हम, अगर ऑनरेबल कोर्ट ये कहता है कि भाई ये इनको एक दोबारा मौका दिया जाए और दोबारा नोटिस भेजना है, तो हम कोर्ट से निवेदन करेंगे और एप्लीकेशन भी देंगे कि ये नोटिस जो है ये बार बार अवॉइड जान के करती है, जो पहले नोटिस वापस आए वो भी हम कोर्ट को दिखाएंगे कि ये देखो इसका जान के ये अगर नोटिस नहीं लेती है तो ये लिख के दे देती है, इसकी आदत बन चुकी है। तो SHO के थ्रू डायरेक्शन दी जाए कि SHO उसको उठा के लाए और कोर्ट में पेश करे, या SHO इस संबंध की तामील कराए, वो SHO के थ्रू हो जाए। ये असल में कोई सॉफ्टवेयर जानती है, सॉफ्टवेयर ये कर लेती है और सॉफ्टवेयर उसको, क्योंकि जो इसका इलीगल फ्रेंड था उसने अपनी वॉइस में ये कहा कि ये सॉफ्टवेयर कर लेती है और सॉफ्टवेयर करके ये कहीं से VPN का सहारा लेके ये कैसे कैसे करती है, वो उसके जरिए से ये, अब आपने देखा होगा मैंने लाइव में मैंने बताया कि एक इसने पाकिस्तान का नंबर डाउनलोड किया और एक वो इसने पाकिस्तान का नंबर भारत में रहते हुए डाउनलोड किया, और जब
व्हाट्सएप जो है कोड मांगता है कि ये नंबर अगर आप चला रहे हैं तो कोड के बिना आप दुनिया के किसी भी देश में अगर आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं तो उसका कोड आता है, और वो कोड वहीं आएगा जहां पर वो मोबाइल की वॉइस कॉल या जहां पर उसकी लोकेशन होगी या जिस सिम में वो चल रहा होगा। तो वो पाकिस्तान में चल रहा था तो कोड वहां पर आया, तो इसने वहां से कोड पता किया और कोड पता करके पाकिस्तानी नंबर को भारत पर डाउनलोड किया। एक तरफ तो कहती है जी मैं भारत के प्रति वफादार रहूंगी और भारत में मैं आ गई हूँ, ये मेरा देश है, इस तरह की चिकनी चौपड़ी बातें हमें बेवकूफ बनाने के लिए, बचने के लिए कर रही है, और ऐसा दिखा रही है जो 1.5 अरब जनसंख्या भारत की है वो सब इसकी इसकी जो है जो ये अपने आप को वफादार दिख, इसके भारत की वफादारी के आगे हम सब फीके हैं, मतलब यही वफादार है हम, जो 1.5 अरब जनसंख्या है भारत की, हम सब शायद इससे सीख रहे हैं और यही वफादार है। तो अगर ये वफादार, एक तरफ तो ये कहती है और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान का नंबर डाउनलोड करती है, क्यों किया? अगर इसको व्हाट्सएप भी चलाना था तो ये सचिन के कई सिम यूज कर रही है और किसी किसी के सिम यूज कर रही है, कई मोबाइल इसके पास है, तो ये भारत का नंबर बना लेते, इसको क्या जरूरत थी जो ना वो पाकिस्तान का जो ना डाउनलोड नंबर करना, इसकी तो जरूरत नहीं थी, इसकी तो जरूरत नहीं थी ना। हमने ये कई बार कहा है कि मोदी जी की सरकार को, योगी जी की सरकार को और बहुत से काम है लोगों के फायदे के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, पब्लिक के फायदे के, वेलफेयर के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और अच्छे जो सरकार के डेवलपमेंट के काम होते हैं वो बहुत काम है। तो ये नहीं है, कोई कह रहा है तो वो कहने दो उसको, उससे क्या फर्क पड़ता है। बेल कैंसलेशन का अब उसको राइट नहीं है, बेल कैंसलेशन की मैं एप्लीकेशन 27 तारीख के बाद बेल कैंसलेशन की मैं तैयार कर ली है मैंने एप्लीकेशन, तो वो क्योंकि शुरू में मैंने इसलिए नहीं लगाई थी, मेरे पास पूरे प्रूफ नहीं थे, अब सारे प्रूफ्स आ गए हैं, और इसने सचिन ने जो हमारे खिलाफ एक कंप्लेंट लगाई है उसमें एफिडेविट में कहा है कि सीमा मेरी पत्नी है, लेकिन जब इसने बेल ली तो अपनी बेल में इसने ये कहा था कि सीमा का मैं जानकार हूँ और सीमा मेरी जानकार है, और बेल में भी यही बात कही थी, तो वो एफिडेविट हमने ले लिया है, और जो इन्होंने ये कंप्लेंट लगाई है ये एफिडेविट भी हम, इसकी भी कॉपी हमें मिल जाएगी या इसका रिकॉर्ड हम कोर्ट में मंगा लेंगे। तो ये एक एक बात को दो एफिडेविट में इसने कहा है, तो कोर्ट को जब पता लगेगा तो 420 का तो खामा वैसे ही इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो कोर्ट जो है वैसे ही इसके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। तो अब बेल कैंसलेशन का आधार ये बन गया है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ऑनरेबल कोर्ट से झूठ बोल के इन्होंने बेल ली है। एक बार कैंसलेशन होने के बाद बड़ा मुश्किल होता है, और ये अब जब तक अपील करेंगे जब तक जो है कई महीने निकल जाते हैं, और जब तक तो गुलाम आ भी जाएगा और उसके बच्चे लेके वो चला भी जाएगा, तो ये करते रहेंगे, लकीर पीटते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 27 तारीख को ही आएगी, 101% आएगी, और ये इसलिए मना कर रही है कि ताकि वहां पब्लिक जमा ना हो जाए और लोग इसकी प्रेरणा कर दे वहां, तो ये आएगी चोरी छुपे लेकर आएगा एपी सिंह, और विद चैनल जो इसके सीमा भक्ति में डूबे हुए चैनल है, और जो सही अच्छे चैनल है वो तो सबकी सुनते हैं, सबकी बात रखते हैं, लेकिन दो एक चैनल ऐसे हैं मैंने आइडेंटिफाई किए हुए जो सीमा भक्ति में लीन है, और जिस दिन ये पता लगेगा कि ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, एजेंसी इस बात को डिक्लेयर कर देंगी, तो उस वक्त वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे वो लोग। 27 में ना तीन केसेस लगे हुए हैं, एक तो जेवर लगा हुआ है जो 120 धाराओं में जो मामला है, एक ये वाला मामला भी लगा हुआ है फैमिली कोर्ट वाला भी, और एक जो इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है वो मामला भी फरीदाबाद में लगा हुआ है। 27 को तीनों केसेस 27 को है, और 30 तारीख को पानीपत लगा, इसका वैसे ही हो जाएगा सारा, ये इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि जब गिदड़ की लाश का टाइम आता है वो शहर की तरफ भागता है, तो ये जो अनाप शनाप बकरी है ना वो साफ दिख रहा है कि अब ये जेल जाने वाली है, इसका जहनी तवज्जो खो चुका है, इसकी मेंटल स्थिति आप जान सकते हो कि एक तरफ तो ये अपना आपको सनातनी कह रही है, दूसरी तरफ ये गालिया बकरी है, कैसी गंदी गंदी गालियां जो एक आम औरत भी नहीं दे सकती। मेरे ख्याल से जो महिला अगर कोई गलत कार्य के प्रोफेशन में भी जो लिप्त है महिला किसी भी मजबूरी के कारण, वो भी इतनी गंदी गालियां नहीं देती जितनी ये दे रही है। तो पूरे समाज ने, देश ने, दुनिया ने समझ लिया है कि क्या चीज है और इसकी आइडेंटिटी को समझ लिया, तो अब हमें इसका जवाब देना भी, अपने आप का स्टैंडर्ड लो करना है, इसका जवाब देना ही बंद करना चाहिए। इसके पास अब कुछ नहीं बचा मां सिवाय कीचड़ फेंकने के, इल्जाम लगाने के, गलत बोलने के, गालियां देने के, कुछ भी नहीं बचा।
पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, सारी बातें इसके निकल के सामने आ रही है। और सबसे मजे की बात यह है कि हेमंत प्रासर जी जो कि इन्हीं के जो रघुपुरा के रहने वाले हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनकी रेपुटेशन पूरे रघुपुरा में, उनके पिताजी भी वकील हैं, उनके ब्रदर भी वकील है, उसका बेटा भी वकील है, खानदान में कई वकील है, उनकी उस पे उंगली उठाई है, उसकी रेपुटेशन को रुइंड किया है इन्होंने, खराब किया है समाज के अंदर। तो वहां के लोगों के मन में भी गुस्सा है इसके प्रति, तो इसने तो ऐसे बीज बोली है अपने लिए कि इसको काटने मुश्किल हो जाएंगे, और इसको उन बीज को काटते काटते इसका जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एपी सिंह किनारे हो गया है, वो केस जरूर डाल के इनको खुश कर दिया है, बट वो सही मायने से 100% इनसे किनारा ले चुका है। वो इस केस से पीछे छुड़ाना चाह रहा है कि किसी तरह मेरी जान बच जाए, मैं पीछे छुड़ा लूं, क्योंकि इतनी गालियां उसको पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे, और लोग इतना भला बुरा कह रहे हैं। आप पढ़ के देखिए कि अगर कोई और इंसान होता तो अब तक चुल्लू भर पानी में डूब के मर चुका होता।